सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सारे यकजहती वकला रुकावटें तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के बाहर पुलिस, एफसी और रेंजर्स को तैनात किया गया है, जबकि किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स के सुप्रीम कोर्ट दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सारे यकजहती वकला रुकावटें तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के बाहर पुलिस, एफसी और रेंजर्स को भी तैनात कर दिया गया है और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स के सुप्रीम कोर्ट दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती वकला रुकावटें तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर पुलिस, एफसी और रेंजर्स को तैनात किया गया है और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स के सुप्रीम कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जिनके केसेस ज़ेर समाअत है वो लोग जा सकते हैं या जिनके नाम हैं लिस्ट के अंदर वो लोग ही हाथे अदालत में दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा मतलब कि किसी भी किस्म के शख्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन वकला की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए पहुँचेंगे। तो अभी ये मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती वकला रुकावटें तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुँच गए हैं। चीफ जस्टिस के हक में उनकी जानिब से जो प्ले कार्ड यहाँ पर उठा रखे हैं वो भी हम मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के बाहर पुलिस और एफसी, इसके साथ साथ रेंजर्स भी तैनात की गई है और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स के सुप्रीम कोर्ट दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वकला की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है और ऐसे में सिक्योरिटी के भी यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। मौजूदा सूरत हाल क्या जानते हैं, हमारे नुमाइंदे आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल आगाह कीजिए। हाँ जी, देखें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन से मुतालिक केस जो है उसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में होनी है और इस सिलसिले में आज वकला की जानब से जो एहतजाज की कॉल दी गई है, तो इसी वजह से इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया और पुलिस की जानब से सुप्रीम कोर्ट के अतराफ़ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन में बिलखसूस किसी को भी दाखिले की इजाज़त जो है ये इंतजामिया की जानब से वाजे किया गया है कि नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में पुलिस की भारी नफरी जो है वो रेड जोन के अतराफ और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो तैनात की गई है। साथ ही साथ एफसी और रेंजर्स के अहलकार जो हैं वो भी मुआवन के तौर पर पुलिस के साथ ड्यूटी सर अंजाम देंगे। रेड जोन चारों अतराफ से आज बंद किया गया है। सिर्फ मुतलका वकला जिनके केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं या इनके अलावा जो लोग सुप्रीम कोर्ट में आज केसेस में पेश हो सकते हैं उन्हीं को दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अहलकार जो हैं उनको सख्ती से हदायत की गई है कि गैर मुतलका वकला और इसके अलावा दीगर अफराद जो हैं उनको आज रेड जोन में बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक किसी भी सूरत पहुँचने की इजाज़त ना दी जाए। इसी सिलसिले में चारों तरफ से आज रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील है। सिर्फ मरगला रोड का जो रास्ता है वो इस्तेमाल किया जा सकता है रेड जोन में आने के लिए, और इसी वजह से अगर आज रेड जोन के बाहर क्योंकि चारों तरफ से रेड जोन खारदार तारें लगाकर जो है वो इंतजामिया और पुलिस की जानब से बंद किया गया है, तो चारों अतराफ पर जो है वो गाड़ियों की भी खासी रश दिखाई दे रही है, लंबी कतारें लग चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है इस वक्त वकला पहुंच चुके हैं, वो भी नारेबाजी उनकी जानब से भी की गई है, लेकिन पुलिस के अहलकार जो हैं उनकी जानब से वाज़ेह तौर पर वकला को कहा गया है कि इंतज़ामिया और पुलिस के आला अफसरान की जानब से हदायत की गई है कि वो गैर मुतलका वकला को सुप्रीम कोर्ट में दाखिले की इजाज़त नहीं देंगे। इसी सिलसिले में आज ATS के अहलकार, इस्लामाबाद पुलिस और साथ ही साथ FC की भारी नफरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर तैनात की गई है। अगर वकला जो है वो अगर जमा होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे या ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट में आने पर बज़िद होंगे तो ठीक है। शुक्रिया आपका आदिल तलोनी, आपने तफसीर नागा किया।